सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी एमपीए महर तैमूर अमजद लाली के एजाज में कला बरादरी की जानिब से एक पुरतकल्लफ जोराने का एहतमाम किया गया। जोराने में सैयद मोहसन बुखारी, मलिक लियाकत अब्बास नसुआना, मलिक गुलाम अब्बास नसुआना मेंबर पंजाब बार काउंसिल समेत दीगर सियासी कायदीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मलिक गुलाम अब्बास नसुआना और एमपीए महर तैमूर अमजद लाली का कहना था कि हमारा मिशन खिदमत है, सियासी मैदान हो या कानूनी व समाजी मसाइल, हम हमेशा आवाम की बिलौस खिदमत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम आवाम के खादिम हैं और कला बरादरी के भी इंतहाई शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे एजाज में जोराना दिया। एक और खबर शामिल कर रहे हैं लालिया से ही, जहां पर लारी अड्डा पर चोरी की एक बड़ी वारदात हुई है जिसमें दुकानदार लाखों रुपए के सामान से महरूम हो गए हैं। रात गए 3 दुकानों की छतें उखाड़ कर नकदी, मोबाइल और कीमती सामान गायब कर दिया गया। इस हवाले से दुकानदारों ने बढ़ती हुई वारदातों पर एहतजाज करते हुए डीपीओ चन्योट से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। एक और खबर शामिल कर रहे हैं लालिया से ही, जहाँ पर लालिया के इलाके थाना कांडीवाल बालियांवाला के रहायशी सफदर नसवाना की नाश सरगोदा के थाना लक्सैया के हदूद मौजा दुदा के करीब सेम नहर से बरामद हुई। मरने वाले के जिस्म पर फायर लगने के निशान भी मौजूद हैं। थाना लक्सैया पुलिस ने डेड बॉडी को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जरा का कहना है कि मुतफी गश्ता रात से लापता था, जबकि पुलिस तर्जमान का कहना है कि उन्हें सफदर नसवाना के लापता होने या गुमशुदगी के बारे में कोई इतला भी नहीं दी गई।